गूगल प्ले पॉइंट्स एक सबसे यूनिक तरीका जिससे ना ही हमें सिर्फ रिडीम कोड्स बल्कि फ्री में फ्री फायर अकाउंट्स में डायमंड दिलाता है। साथ ही आज मैं आपको गूगल प्ले पॉइंट्स की 5 ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको अप्लाई करने के बदले आप सभी को अनलिमिटेड पॉइंट्स मिल सकते हैं, वो भी लाइव प्रूफ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही उन्हीं प्ले पॉइंट्स का यूज़ करके हमें फ्री के फ्री फायर में 4000 के डायमंड्स के टॉपअप बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, जो कि डायमंड्स मिलते हैं 5600 और उसको लाइव ट्रिक आप देख सकते हो एक क्लिक में माइनस हो जाएगा। एंड 500 गूगल प्ले पॉइंट्स का यूज करके आप फ्री फायर में बिल्कुल फ्री के डायमंड्स के टॉप अप कर सकेंगे। एंड ये 500 गूगल प्ले पॉइंट्स कैसे इंक्रीज करना है वो भी मैं आपको सेटिंग ट्रिक्स के द्वारा बता दूंगा। तो इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना, वीडियो का हर एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आप सभी देख सकते हो मैंने फ्री फायर में इसी ट्रिक का यूज करके अपने डायमंड्स को इंक्रीज किया हुआ है। एंड फ्री फायर में डायमंड्स और बहुत सारे इमोट्स, कैरेक्टर और गन की स्किन्स भी निकाली है। तो आप लोग को वीडियो कंप्लीट देखना है और फ्री कैसे रिडीम कोड्स आप भी क्लेम कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले पॉइंट्स का मदद और यूज करके। तो आप सभी को वीडियो कंप्लीट देखना होगा और इसी ट्रिक को लगाने से मेरे एक फ्रेंड का मेरे पास जो स्टार्टिंग में प्रूफ मैंने दिखाया वो था फ्रेंड का और ये प्रूफ आप सभी देख सकते हो। साथ ही वीडियो में एक भी सेकंड स्किप करने वाले मेरे फ्रेंड्स को समझ में नहीं आएगा जो स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ, पूरा स्टेप बताऊंगा। साथ ही सबसे पहले मैं आपको गूगल प्ले स्टोर को लेकर के चलता हूँ। एंड सबसे पहले तो मेरे दोस्तों आप सभी को एक प्रॉब्लम आती है, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है जिसमें कि आप अकाउंट क्रिएट करते समय फंस जाते हो। तो उसमें कोई भी UPI ID सेलेक्ट करोगे तो आपका हो जाएगा एंड देन आपको पर्क मिलेगा डेली का, उसको जरूर से क्लेम करना, एक्टिवेट करने का भी ट्रिक मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो का लाइक है मैं 300, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, एक क्लिक करने मात्र से आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे पर डे आप सभी को रिडीम कोड्स की कीवर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, तो करेक्ट 8 से 9 बजे रात के बीच में मिलेगा, तो आप सभी ज्वाइन करके रख लेंगे। और आप सभी से एक और भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो देखा मत करो, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को इसके लिए पे भी करना होता है, यानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। अब देखो मेरे पास जो गूगल प्ले पॉइंट्स की मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें 1 लाख प्लस व्यूज आ चुके हैं एंड उस चीज को अप्लाई करने से भी अभी बहुत सारे लोग उससे अर्निंग कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों आप सभी को जो मैं ट्रिक आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ उसके लिए तो सबसे पहले आइलैंड एप्लीकेशन का यूज करना होगा। आइलैंड एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, तो आपको गूगल प्ले स्टोर को ही ओपन करना है एंड वहाँ से आइलैंड एप्लीकेशन सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है। एंड आप सभी को सेकेंड में दिख रहा है आइलैंड अर्ली एक्सेस, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन करना। एंड आइलैंड के अंदर आपका एक गूगल प्ले स्टोर का सेक्शन होगा, उसको ओपन करोगे, अपनी आईडी पे जाना, एक नई ईमेल आईडी से यहाँ पर आपको साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। अब उसके बाद आपके सामने गूगल प्ले पॉइंट्स ज्वाइन फॉर फ्री करोगे एंड उसके बाद यहाँ पर ऐसा सेक्शन आता है, तो आपको पे विथ UPI पे जाना है। किसी भी फ्रेंड का अगर UPI आईडी है या फिर आपका खुद का है तो UPI आईडी डाल करके सिंपल आप यहां पर अपना गूगल प्ले पॉइंट का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो सिंपल मैं कोई भी UPI आईडी जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है फिर से उसको डालूंगा एंड यहां पर कुछ अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करूंगा, नेम एड्रेस एंड गूगल पे ये एड्रेस फिक्स हो जाएगा एंड उसके बाद साइन अप प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। कंटिन्यू पर टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा सेकेंड वेट कर लेना होगा एंड जस्ट आपका जो आईडी है, जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। अब अकाउंट को क्रिएट करने के बाद यस IM पे क्लिक करके आप अंदर एंटर कर जाएंगे एंड अर्न गूगल प्ले पॉइंट्स थ्रू द गूगल प्ले ऐप आपको देखने को मिल रहा होगा। सबसे फर्स्ट सेक्शन उस पर गॉडेड पे क्लिक कर देना होगा, उसके नीचे जो ऑफर्स मिलते हैं वो अगर आपके फ़ोन में नहीं आ रहे हैं तो वो भी मैं आपको सेटिंग आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही गूगल प्ले पॉइंट्स का यूज़ करके आप ऐप्स एंड गेम्स में यूज़ भी कर पाते हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में फ्री फायर डायमंड्स का बताया था। अब मेरे दोस्तों सबसे पहले तो आपने आइलैंड एप्लीकेशन को ओपन करना है और आइलैंड एप्लीकेशन में आपको सबसे पहले तो जो गूगल प्ले पॉइंट्स है उसको करना है, साथ ही आपका जो आईडी है उसमें ध्यान देना। आप देखो यहाँ पर मैं अगर पेमेंट सब्सक्रिप्शन मेथड आपको दिख रहा है तो यहाँ पर मैं ब्रांच पर हूँ एंड यहाँ पर अगर यूज़ पे जाऊँ, ऐप्स एंड गेम्स पे जाऊँ, तो मैं जो भी यहाँ पर टॉपअप करूँगा उसके रिगार्डिंग मुझे पॉइंट्स मिलेगा। यानी अगर फ्री फायर में अगर आप कुछ भी डायमंड्स टॉप कर रहे हो किसी भी गेम्स में, COD में
कर रहे हो तो उसका भी आपको प्राइस अमाउंट पॉइंट्स के थ्रू देखने को मिलता है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपको फ्री का चाहिए वो मैं बताऊंगा, साथ ही उस पॉइंट्स से यूज़ करके गूगल प्ले का रिडीम कोड में कन्वर्जन हो जाता है। अब उस कन्वर्जन को करने के लिए वन टैप करोगे, अगर 100 पॉइंट्स है, 200 पॉइंट्स है, 500 पॉइंट्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिडीम कोड में कन्वर्जन मिलता है। वो रिडीम कोड आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले प्रूफ। तो यहाँ पर सिंपल आप देख पा रहे होगे अंडर 35.7 पॉइंट्स सब कुछ एंटर करके आप उसका यूज़ भी कर पाओगे। एंड जो पर्क होते हैं उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो डेट आपको दिख रहा हो 11th of November ऐसे करके, उन डेट को आना होता है, उसको क्लेम करना होता है। अगर नहीं एक्टिवेट किया तो पहले अपना 10 रुपीज़ का रिडीम को रिडीम करना आईडी में, तो हो जाएगा एक्टिवेट। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले गूगल पे आना है एंड गूगल प्ले पॉइंट आपको यहाँ पर सिंपल सर्च करना होगा, ठीक है। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको सेम टू सेम सर्च करना, एंड आपको यहाँ पर एक वेबसाइट खोजनी है जो मैं आपको सामने लाइव प्रूफ खोज करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करके आपको बैक कर लेना है, सेकंड जो वेबसाइट आपको दिख रही है उस पर चले जाना, एंड आपके सामने 3 लाइंस बगल में आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर करना क्या है, गूगल प्ले पॉइंट्स का सिस्टम उस पर क्लिक करके ओपन करना और यहाँ से भी एलिजिबिलिटी एक्सेस लेना, और ये ध्यान में रखना कि क्रोम ब्राउज़र में आपका सेम अकाउंट यहाँ भी होना चाहिए और सेम अकाउंट आपका प्ले स्टोर में भी लॉगिन होना चाहिए, तभी आपका पर्क क्लेम होगा और गोल्ड और प्लेटिनम बेनिफिट्स आप यूज़ कर पाएंगे। अब उसके बाद आपको अपने आईडी पर जाना है, अपने पेमेंट ब्रांच मेथड को खोलेंगे तो यहाँ पर जो ऐप डाउनलोड्स के ऑप्शन होते हैं तो आप देखो टाइम टू टाइम आपको ऐप डाउनलोड्स भी मिल जाएंगे, उसको कंप्लीट करना होता है। मेरे गूगल प्ले स्टोर में इसके यूज़ करके 1235 का प्ले स्टोर का बैलेंस किया, साथ ही फ्री फायर के डायमंड्स के टॉपअप भी किए हैं। अब इसी ट्रिक का यूज़ करके गूगल प्ले पॉइंट्स में अगर मैं यहाँ पर 1710 फ्री फायर डायमंड्स का टॉपअप किया हूँ वीकली और मंथली मेंबरशिप भी क्लेम कर लेता हूँ इसी प्ले पॉइंट्स के यूज़ करके, तो मेंबरशिप में अगर आप दोस्तों क्लिक करते हो 159 का मेंबरशिप हुआ, 259 का मेंबरशिप हुआ, या फिर फ्री फायर का डायमंड्स ही क्यों ना हो, अगर आप उसका टॉपअप करने जाते हो तो आपके पास प्ले पॉइंट्स भी रिगार्डिंग उसके दिए जाते हैं। अगर 799 का टॉप करते हो तो 160 कुछ दिन पहले 799 ही दे दिए जाते थे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा करो, ठीक है, सारी डिटेल्स आपको पता चल जाती है। तो आपका आइलैंड वाला गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना एंड उसके अंदर आपको जो एप्लीकेशंस मिलती है उनको डाउनलोड करते हो। मैं बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ जिसके रिगार्डिंग मुझे प्ले पॉइंट्स के अंदर नए नए ऑफर्स देखने को मिलते हैं। अब वो ऑफर्स आपके ऐप डाउनलोड्स के रिलेटेड मिलते हैं, अब उनमें से कोई भी ऐप मैं डाउनलोड करता हूँ तो उसका पॉइंट मिल जाता है। अगर आप भी रेगुलरली ऐसे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते रहते हो तो उसका आपको बिल्कुल फ्री का पॉइंट्स मिल जाएगा, जिसका यूज़ करने के रिगार्डिंग आपको प्ले पॉइंट्स का रिडीम कोड कन्वर्जन मिलेगा, उसका यूज़ करके आप फ्री फायर में डायमंड्स के टॉपअप कर सकोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अगर आपको कोई भी वीडियोस के रिलेटेड रिगार्डिंग कमेंट चाहिए तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में ऐसे नए विजिट टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो धन्यवाद, बाय बाय।